आज हमको बताएंगे कि एचपी गैस कनेक्शन है मोबाइल नंबर कैसे जोड़ पाएंगे, अगर जुड़ा हुआ है आपका कोई भी नंबर तो उसको चेंज कैसे कर पाएंगे, एचपी गैस को आप किस तरह ऑनलाइन बुक कर पाएंगे, आपका क्या क्या डिटेल गैस में दिया गया है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर वगैरह क्या है, तो आप घर बैठे आप जान सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान टेक। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सिखाते हैं कि नई जानकारी। आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एचपी गैस। प्ले स्टोर से आप एचपी गैस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए, एचपी गैस ऐप। मैं आपकी सुविधा के लिए लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको किसी तरह का परेशानी ना करना पड़े। तो चलिए यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए मेरा लॉगिन है तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप करने का बटन मिल रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो आपका रजिस्टर है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे या ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी अकाउंट नहीं बनाए तो यहाँ पे साइन अप होगा, अगर बना चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन होगा। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेंगे, अगर पासवर्ड है तो दे सकते हैं, नहीं तो रीसेट पासवर्ड, नीचे में रीसेट पासवर्ड आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड अपने मोबाइल पर मंगवा सकते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड अपना यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। यहाँ मैं अपना पासवर्ड इंटर कर चुका, आप लॉगिन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसका डैशबोर्ड कुछ इस तक आए। नीचे में आपको भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं, होम है, उसके बाद आपको प्रोफाइल है जहाँ पे आपके और डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल है, उसके बाद लॉग आउट है। तो चलिए फिर से होम पे चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं होम पे आ चुका। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल का, तो चलिए प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है माय प्रोफाइल, यहाँ पे अपना पूरा कंज्यूमर एड्रेस, आईडी वगैरह, अपना नाम वगैरह जान सकते हैं। उसके बाद माय डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा ईमेल एड्रेस, सारा चीज़ आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद आपको बैक कार्ड चाहिए। यहाँ पर अपडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपको अपडेट करना है रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो तीन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर ऐड करना है, न्यू मोबाइल नंबर आपको इसमें इंटर करना है, जो भी नंबर ऐड करना है वो इंटर करना है। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके न्यू मोबाइल नंबर जो ने आप दिया है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल देंगे आप ओटीपी वाले बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसकी ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे, उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते, उसके बाद नीचे में चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। जिस पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन हुए हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ही बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पे एलपीजी रिफिल ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी, तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं ऑर्डर। अगर आपको चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी जाके आपको ऑर्डर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिफिल ऑर्डर हिस्ट्री है, तो आप क्या बुक किए हैं पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस तारीख को किए हैं। यहाँ आपको एक व्यू सब्सिडी अकाउंट डिटेल है, उस पर क्लिक करके आपको किस मंथ में कितना सब्सिडी आया था, किस बैंक में आया था, कब आया था, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन पहल कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर फॉर सेकेंड सिलेंडर, अगर दूसरा सिलेंडर चाहिए आपको तो उसके लिए रजिस्टर करना होगा। तो आप रजिस्टर पर क्लिक कर यहाँ पर आना, रजिस्टर नो पे, उसके बाद आपको क्लिक रजिस्टर करना होगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ गिव मी सब्सिडी भी आपको मिल रहे हैं, सेफ्टी टिप्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पर गिव मी सब्सिडी है, देख लीजिए, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, उसके बाद अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस है, आपको सेफ्टी टिप्स है, और यहाँ बहुत सारे आपको सुविधा हिंदी इंग्लिश में सारे चीज़ में दिए गए हैं, किसे चलाना, किस तरह यूज करना है। तो दोस्तों आज समझिए किस तरह न्यू मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना है, किस तरह आप बुक कर पाएंगे गैस सिलेंडर ऑनलाइन घर बैठे हैं, तो आप जान गए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।